नमस्कार दोस्तों, मैं सनत कुमार राजपूत टीचरशिप में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। इसके पूर्व वाले वीडियो में दोस्तों हमने विकास की अवस्थाओं पर बहुत ही गहराई से अध्ययन किए, चर्चा किए और बहुत ही फैक्ट जानकारी को इकट्ठा किए। आज हम नेक्स्ट टॉपिक पर फोकस करेंगे जो कि विकास के आयाम हैं। विकास के आयाम को निम्न भागों में बाँटा गया है: शारीरिक विकास, संज्ञानात्मक विकास, सामाजिक विकास, संवेगात्मक विकास। दोस्तों इन टॉपिक पर भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, 2 से 3 नंबर का तो लगभग पक्का रहता है शिक्षक छत्तीसगढ़ शिक्षक पात्रता परीक्षा में या फिर छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती में भी पूछा गया था। चलिए दोस्तों इनको हम डिटेल में अध्ययन करते हैं, जानकारी इकट्ठा करते हैं। विकास के जो आयाम हैं उनको निम्न भागों में बाँटा गया है: शारीरिक विकास, मानसिक विकास, सामाजिक विकास, संवेगात्मक विकास और नैतिक विकास। इन्हें चलिए बारी बारी हम इसको बहुत ही गहराई से अध्ययन करते हैं। दोस्तों सबसे पहले जो है शारीरिक विकास, जो भ्रूणावस्था से स्टार्ट होता है, जिन्हें 3 भागों में बांटा गया है: डिम्बावस्था, जब डिम्बावस्था उस अवस्था को कहते हैं जब प्रेगनेंसी स्टार्ट होता है, फर्टिलाइजेशन हुआ रहता है, तो उस अवस्था को डिम्बावस्था कहते हैं। दूसरा जो है भ्रूणीय अवस्था, इसमें डिम्ब का विकास प्राणी के रूप में होता है। और तीसरा जो है भ्रूणावस्था, गर्भाशय में 2 महीने से लेकर जन्म लेने तक की अवस्था को भ्रूणावस्था कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों शैशवावस्था। शैशवावस्था में सबसे पहले देखेंगे वजन। जन्म के समय बच्चे का जो वजन होता है वो 6 से 8 पाउंड के बीच होता है, और अगर उसको किलोग्राम में देखा जाए तो 2 किलो 700 ग्राम से 3 किलो 600 ग्राम तक हो सकता है। नेक्स्ट देखते हैं बालिकाओं का, लेकिन जो वजन होता है वह अपेक्षाकृत कम होता है बालकों से, और शैशवावस्था के अंत तक, 5वें वर्ष के अंत तक 38 से 40 पाउंड हो जाता है बालक का वजन, और या फिर किलोग्राम में देखें तो 17 किलोग्राम से 18 किलोग्राम लगभग हो जाता है। लंबाई देखें तो लंबाई जो है 18 इंच से 21 इंच हो जाता है, और सेंटीमीटर में देखें तो 46 सेंटीमीटर से 51 सेंटीमीटर हो जाता है। बालिकाओं की अपेक्षाकृत कम होता है शैशवावस्था में। हड्डियां देखते हैं दोस्तों। हड्डियां जो है जन्म के समय हड्डियां मुलायम तथा लचीली होती है, और कुल संख्याएँ इसकी 270 होती है शैशवावस्था में, और बालकों का जो विकास होता है बालिकाओं की अपेक्षा तीव्र होता है शैशवावस्था में। नेक्स्ट देखते हैं सिर व मस्तिष्क। बच्चे का सिर जन्म के समय शरीर की लंबाई का, संपूर्ण लंबाई का 1/4 भाग होता है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। और जो मस्तिष्क होता है, मस्तिष्क का भार शैशवावस्था में 350 ग्राम होता है। इन्हें याद रखिएगा दोस्तों, इस पर क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। और अन्य परिवर्तन भी जान लेते हैं। 5वें या 6वें माह में नीचे के दांत निकलना शुरू हो जाते हैं। 4 वर्ष तक सभी अस्थायी दांत निकल जाते हैं, और शिशु का जो धड़कन है वह जो प्रारंभ में जन्म के समय 140 प्रति मिनट होता है वह अब 100 रह जाती है, 100 रह जाती है शैशवावस्था के समापन होते तक। और जो अगला नेक्स्ट है यौनांगों का मंद विकास होता है इस अवस्था में। नेक्स्ट देखते हैं बाल्यावस्था में शारीरिक विकास कैसे होता है। सबसे पहले देखते हैं तो वजन जो है प्रारंभ में लड़कों का वजन ज़्यादा जबकि लड़कियों का अपेक्षाकृत कम होता है, बाद में लड़कियों का वजन बढ़ जाता है। लड़कियों का वजन जो है 29 किलोग्राम लगभग हो जाता है, और लड़कों का वजन थोड़े कम 28.5 किलोग्राम के आसपास हो जाता है। हम ऐसे देखा जाए तो पूर्व बाल्यावस्था में लड़कों का वजन ज़्यादा होता है लड़कियों से, और वो उत्तर बाल्यावस्था में लड़कियों का वजन बढ़ जाता है लड़कों से। इसी प्रकार लंबाई में भी होता है दोस्तों, लंबाई भी लड़कियों का पूर्व में कम होता है लड़कों से, जबकि उत्तर बाल्यावस्था में पहुँचते लड़कियों का जो लंबाई है वो लड़कों की अपेक्षा बढ़ जाती है, लड़कियों का लगभग 128 सेंटीमीटर और लड़कों का लगभग 125 सेंटीमीटर हो जाता है। हड्डियां एवं दांत देखते हैं।
हड्डियों में मजबूती व दृढ़ता आने लगती है। इस अवस्था में हड्डियों की संख्या 270 से बढ़कर 350 हो जाती है, जो आगे चलकर किशोरावस्था में फिर से कम हो जाती है, अर्थात वयस्क होते होते तक 206 हड्डी हो जाती है, जिसको ये कहा भी जाता है कि वयस्क मनुष्य में हड्डियों की संख्या कितनी होती है, तो वयस्क में 206, शैशवावस्था में जन्म के समय 270 होता है, जबकि बाल्यावस्था में कितना होता है, 350 होता है, और वह किशोरावस्था में 206 हो जाता है। इसको याद रखिएगा दोस्तों, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये। आगे देखते हैं दोस्तों, दांतों में स्थायित्व आ जाता है, दांतों की संख्या बढ़कर 32 हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं सिर व मस्तिष्क में परिवर्तन होता है। इस अवस्था में मस्तिष्क का विकास लगभग 90% पूर्ण हो जाता है, 90% पूर्ण हो जाता है बाल्यावस्था में। नेक्स्ट देखते हैं, अन्य परिवर्तन भी जान लेते हैं। बालक की मांसपेशियों में मंद विकास होता है, बाल्यावस्था में हृदय की धड़कन में कमी आ जाती है, जो पहले शैशवावस्था में 140 से 100 हुआ, अब बाल्यावस्था में वह 100 से 85 बार धड़कने लगता है। बालक व बालिकाओं की शारीरिक बनावट में भी अंतर आने लगती है। 11वें व 12वें वर्ष में यौनांगों का तीव्र विकास होने लगता है। नेक्स्ट देखते हैं कि किशोरावस्था में शारीरिक विकास किस प्रकार होता है। सबसे पहले हम वजन देखते हैं, तो वजन इस प्रकार है, किशोरावस्था में बालक व बालिकाओं के भार में तेजी से वृद्धि होती है, दोनों के जो भार में तेजी से वृद्धि होती है। 18 वर्ष के अंत तक फिर से लड़कों का भार लड़कियों की तुलना में अधिक हो जाती है दोस्तों। नेक्स्ट जो है लंबाई है, लड़कियां अपनी लंबाई 16 वर्ष तक पूर्ण कर चुकी होती हैं, जबकि लड़के अपने लंबाई 18 वर्ष तक पूर्ण करते हैं। दांतों का पूर्ण स्थायीकरण हो जाता है, लड़के व लड़कियों में अक्ल दांत निकलने लगते हैं, जिसको बोला जाता है कि अक्ल दांत आ गया। और नेक्स्ट देखते हैं सिर व मस्तिष्क का विकास निरंतर जारी रहता है। सिर का पूर्ण विकास 15 से 17 वर्ष के मध्य हो जाता है। मस्तिष्क का भार लगभग 1200 से लेकर 1400 ग्राम के बीच हो जाता है दोस्तों। देख लेते हैं किशोरावस्था में अन्य परिवर्तन भी। हृदय की धड़कन में पूर्ण कमी आ जाती है, प्रारंभ में प्रति एक मिनट में वह 72 बार धड़कता है। जैसे कि हमने देखा जो शैशवावस्था में कितना रहा, शैशवावस्था में जब जन्म के समय 140, फिर शैशवावस्था के अंत तक 100 बार धड़कने लगा, और फिर उसके बाद बाल्यावस्था में 85, और फिर किशोरावस्था में और वयस्क होते तक वह 72 हो जाता है, 72 बार धड़कने लगता है प्रति मिनट। अब नेक्स्ट देखते हैं लड़कों एवं लड़कियों में पुरुषत्व एवं स्त्रीत्व की पूर्ण विशेषताएं क्रमशः प्रकट होने लगती हैं। किशोरावस्था में ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट अवस्था है, जिसमें लड़कों में पुरुषत्व एवं लड़कियों में स्त्रीत्व की पूर्ण विशेषताएं आने लगती है, आ जाती हैं। लड़कियों में मासिक धर्म एवं लड़कों में स्वप्न दोष का प्रारंभ हो जाता है। बालक व बालिकाओं की शारीरिक बनावट स्पष्ट रूप से देखी जा सकती है, इनमें अंतर। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं मानसिक विकास पर आ जाते हैं, जो कि विकास के आयाम का दूसरा नेक्स्ट टॉपिक है। सबसे पहले हम देखते हैं दोस्तों शैशवावस्था में मानसिक विकास। सबसे पहले हम शैशवावस्था पर मानसिक विकास देखेंगे। सोरेंसन नामक जो बाल मनोवैज्ञानिक हैं, वह उनके अनुसार जो शैशवावस्था में मानसिक विकास है, वो अपने अनुसार जो कथन दिए हैं वो ऐसा है, जैसे जैसे शिशु प्रतिदिन प्रति मास प्रति वर्ष बढ़ता जाता है, वैसे वैसे उसकी मानसिक शक्तियों में परिवर्तन होता जाता है। ये सोरेंसन नामक बाल मनोवैज्ञानिक के द्वारा यह कथन है। अब इसमें जो शैशवावस्था में मानसिक विकास है वो किस प्रकार होता है, तो उस पर नज़र डालते हैं। पहला जो है
जन्म के समय शिशु कुछ क्रियाओं का प्रदर्शन स्वतः ही करता है, जैसे चीखना, हिचकी लेना, अंगूठा चूसना, हाथ पैर हिलाना, रोना, चौंकना आदि। जो नेक्स्ट है, प्रारंभ में जीव निर्जीव में भेद नहीं कर पाता, वो सजीव और निर्जीव में बिल्कुल भी भेद नहीं कर पाता। जैसे कि वो प्रारंभ में पंखे जब चल रही होती है, कोई भी जो खिलौना खेल रहे होते हैं वो उसका, जैसे कि प्लास्टिक का जो कार वगैरह होता है उसको चलाते हैं, तो उसको भी और बिल्ली को देखते हैं तो वो दोनों में फ़र्क नहीं कर पाते। दोनों को वो जीव समझ लेते हैं, वो सजीव समझ लेते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, मानसिक विकास ज्ञानेंद्रियों पर निर्भर होता है। आँख, कान, नाक, त्वचा, जीभ के द्वारा ही वह अपनी मानसिक विकास करता है। नेक्स्ट जो है, द्वितीय वर्ष के अंत तक 100 से 200 शब्द बोल लेते हैं। ये इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, पूछा भी गया है एक दो बार कि शैशवावस्था में द्वितीय वर्ष के अंत तक बालक की जो शब्द सीमा होती है वो कितनी होती है। तो याद रखिएगा दोस्तों, 100 से 200 शब्द बोल लेते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, शैशवावस्था के अंतिम दिनों में बोलना, लिखना, गिनती का प्रयोग करना एवं जटिल वाक्यों को दोहराना आदि का विकास हो जाता है। अतः हम छठवां देखते हैं, अतः हम कह सकते हैं कि इस अवस्था में स्थूल से सूक्ष्म की ओर, अस्पष्टता से स्पष्टता की ओर, अनिश्चित से निश्चित की ओर बढ़ने लगता है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं, बाल्यावस्था में मानसिक विकास किस प्रकार से होता है। तो बाल्यावस्था में मानसिक विकास की गति बहुत ही तीव्र हो जाती है। इस समय बालक की सहज प्रवृत्तियाँ एवं मूल प्रवृत्तियाँ उसके सीखने में सहयोग करती हैं, जिससे उसकी जिज्ञासा शांत होती है, उसके रुचि, चिंतन, स्मरण, निर्णय एवं समस्या समाधान आदि गुणों का स्वतः ही विकास होने लगता है। सबसे पहले देखते हैं, जो बाल्यावस्था के प्रारंभिक वर्षों में बालक मातृभाषा के स्वर एवं व्यंजन तथा गिनती सीखता है। याद रखिएगा दोस्तों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है, जिन्हें याद रखिएगा। नेक्स्ट जो है, इस अवस्था में वह शरीर के अंगों को बताना एवं वस्तुओं में अंतर करना प्रारंभ कर देता है। नेक्स्ट देखते हैं, बालकों में रटने एवं ग्रहण करने की शक्ति तेजी से बढ़ती है। चौथा जो है, वह छोटी छोटी पंक्तियों को दोहराना, कहानी सुनाना आदि सीख जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, चित्र या फोटोग्राफ देखकर निश्चित धारणा का निर्माण करने लगता है। चित्र या फोटोग्राफ को देखकर उसके बारे में अपनी धारणा प्रस्तुत करने लग जाता है बाल्यावस्था में। और नेक्स्ट जो है, वह दैनिक व्यवहार करना सीख जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, दिन, तारीख एवं सिक्कों का पूर्ण ज्ञान प्राप्त करने लगता है। और नेक्स्ट देखते हैं, मूर्त चिंतन करने लगते हैं। कोई भी चीज़ देखे रहते हैं, कोई भी वस्तु के बारे में वो अपना दिमाग में ही उसका इमेज बनाने लगते हैं, उसके बारे में चिंतन करने लगते हैं। और नेक्स्ट जो है दोस्तों, वह देखी हुई फिल्म की कहानी के 3/4 भाग तक सुनाने में सफल हो जाता है। तो ये रही बाल्यावस्था की मानसिक विकास, इस प्रकार है दोस्तों। अब देखते हैं नेक्स्ट, किशोरावस्था में मानसिक विकास किस प्रकार से होता है। तो सबसे पहले देखते हैं दोस्तों, इनमें ज्ञानेंद्रियों की कार्यकुशलता अपने शिखर पर होता है। दूसरा है, प्रत्यक्षीकरण सुव्यवस्थित व विवेकपूर्ण होता है। नेक्स्ट देखते हैं, प्रत्यक्षीकरण के अनुभव निश्चित, अर्थपूर्ण व विस्तृत होता है, क्योंकि इसमें मैच्योरिटी आगे रहती है। ये हर टॉपिक को अच्छे से अर्थपूर्ण और विस्तृत ढंग से समझने लगते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, संवेदना व प्रत्यक्षीकरणों को स्थूल वस्तुओं से संबंधित करने की आवश्यकता नहीं होती है। नेक्स्ट जो है, परिपक्वता ग्रहण करने के साथ ही साथ संप्रत्यय अधिक से अधिक स्पष्ट, विशिष्ट व निश्चित होते चले जाते हैं। संप्रत्यय मतलब ये कॉन्सेप्ट होता है दोस्तों, उसमें समझ विकसित होने लग जाते हैं। नेक्स्ट जो है, संप्रत्यय विकसित होने की प्रक्रिया में स्थूल से सूक्ष्म, अस्पष्टता से स्पष्टता और अनिश्चित से निश्चित की ओर गमन होने लगता है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, स्थिति, दूर, गहराई आदि से संबंधित प्रत्यय स्पष्ट व विकसित अवस्था में होता है। नेक्स्ट देखते हैं, स्मरण शक्ति जो होता है तर्क एवं सूझबूझ पर निर्भर करता है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, तर्क पर आधारित प्रत्ययों
की स्मृति अधिक समय तक बनी रहती है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, अमूर्त चिंतन करने की क्षमता विकसित हो जाते हैं। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। अमूर्त चिंतन करने की क्षमता कौन से अवस्था में विकसित होती है? तो उसका आंसर होगा, अमूर्त चिंतन करने की क्षमता जो विकसित होती है वो किशोरावस्था में होती है। तो याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं, तर्क करने की योग्यता का पूर्ण विकास होने लगता है। और नेक्स्ट देखते हैं, जटिल समस्याओं का समाधान तर्क चिंतन व अनुभव के आधार पर करने योग्य हो जाती हैं। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, किशोरावस्था में मानसिक विकास पूर्ण होता है। ये जो बिंदु है वह किशोरावस्था में मानसिक विकास बिल्कुल पूर्ण हो जाती है। पहला जो है बुद्धि का पूर्ण विकास, दूसरा जो है स्मृति विस्मृति कल्पना चिंतन तर्क समस्या समाधान आदि का पूर्ण विकास होना, तीसरा जो है कल्पना शक्ति का बाहुल्य होता है, और चौथा जो है विभिन्न रुचियों का तीव्रता से विकास होता है। इस प्रकार दोस्तों जो हमारा मानसिक विकास है उसको हमने अलग अलग अवस्थाओं में बहुत ही गहराई से अध्ययन किए, चर्चा की और जानकारी इकट्ठा किए। अब देखते हैं नेक्स्ट हमारा जो है आयाम सामाजिक विकास है, जो जिसको भी हम बहुत ही गहराई से देखते हैं। बालक का व्यक्तित्व सामाजिक पर्यावरण में विकसित होता है। वंशानुक्रम द्वारा प्राप्त योग्यताएं समाज द्वारा ही सही दिशा में निर्देशित की जाती हैं। इसलिए एलेक्जेंडर के अनुसार कहा गया है, व्यक्तित्व का निर्माण शून्य में नहीं होता। सामाजिक घटनाएं तथा प्रक्रियाएं बालक की मानसिक प्रक्रियाओं तथा व्यक्तित्व के प्रतिमानों को अनवरत रूप से प्रभावित करती रही है। जो व्यक्तित्व का निर्माण होता है वो समाज से ही होता है, इसका कहने का मतलब है दोस्तों। तो सबसे पहले हम देखते हैं शैशवावस्था में सामाजिक विकास किस प्रकार होता है। इनसे भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों। तो इस पर हम देख लेते हैं, क्रो एवं क्रो ने भी शैशवावस्था में जो सामाजिक विकास है उसको अपने हिसाब से बताया गया है। जन्म के समय से शिशु आत्मकेंद्रित होता है। जब बच्चे का जन्म होता है तो आत्मकेंद्रित होता है। सामाजिक परिवेश में आने के साथ ही आत्मकेंद्रित व्यवहार समाप्त होता जाता है, क्रो एवं क्रो के अनुसार है। और जो नेक्स्ट है, जन्म के समय शिशु न तो सामाजिक प्राणी होता है न असामाजिक, पर वह इस स्थिति में अधिक समय तक नहीं रहता। श्रीमती हरलाख ने शिशु के सामाजिक विकास को इस प्रकार प्रस्तुत किया, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। इसको हम बहुत ही ध्यान से देखेंगे, ये महत्वपूर्ण है। आयु माह और सामाजिक व्यवहार का रूप, प्रथम जो माह में होता है वो ध्वनियों में अंतर समझता है। जो भी कोई बोलते हैं वो ध्वनियों में उसका अंतर समझने लगते हैं। और जो द्वितीय माह में जो बच्चे होते हैं वो मानव ध्वनि पहचानना शुरू कर देते हैं, मुस्कुराने लगते हैं। तृतीय माह से चतुर्थ माह में माता के लिए प्रसन्नता व माता के अभाव में दुख, तृतीय माह में ही माता को पहचानने लग जाती हैं। पंचम माह में देखते हैं, पाँचवें माह में पारिवारिक सदस्यों को भी पहचानना शुरू कर देते हैं। और अष्टम और नवम माह में परिचितों से प्यार व अन्य लोगों से भय, जो घर में रहते हैं परिवार के सदस्य उनको देखकर उनसे प्यार आएगा या फिर उनको पहचान लेगा, और जो अन्य व्यक्ति जो पहली बार जिन्हें देखेंगे उनसे उन्हें भय होगा। नेक्स्ट देखते हैं, दसम एवं एकादश माह में, दसवें या ग्यारहवें माह में अनुकरण द्वारा हाव भाव सीखना संवेगों का प्रदर्शन होने लगता है। और दूसरे वर्ष की अवधि में बड़े लोगों को उनके कार्यों में सहायता सहयोग या सहानुभूति का प्रकाशन होने लगता है। अब देखते हैं नेक्स्ट, बाल्यावस्था में सामाजिक विकास किस प्रकार होता है। तो शिशु का संसार उसका परिवार होता है, जबकि बालक का संसार परिवार के बाहर बालकों का समूह व विद्यालय होता है। तो बाल्यावस्था में जो सामाजिक विकास है वो इस प्रकार होता है। पहला देखते हैं सामाजिक भावना। इस अवस्था में सामाजिक जागरूकता चेतना एवं समाज के प्रति रुझान पैदा होता है। सामाजिक क्षेत्र व्यापक व विकसित होना शुरू हो जाता है। विद्यालयी पर्यावरण से अनुकूलन करने लगते हैं, विद्यालयी पर्यावरण में अपने आप को सही फिट करने लगते हैं, अनुकूलन प्राप्त करने लगते हैं, नए मित्र बनाना शुरू कर देते हैं। नेक्स्ट देखते हैं आत्मनिर्भरता।
स्वयं को स्वतंत्र मानकर आत्मनिर्भर बनने की कोशिश करता है। बालकों के साथ रहना, निर्णय लेना सीखना, इस प्रकार का आत्मनिर्भरता आता है बाल्यावस्था में सामाजिक विकास के रूप में। और तीसरा जो है गिरोह प्रवृत्ति के रूप में, गिरोह मतलब होता है दोस्तों इसको ग्रुप स्टेज, ग्रुप मतलब गिरोह मतलब एक ग्रुप बनाना, समूह बनाना, समूह बनाने की प्रवृत्ति आने लगती है। इसको हम देखते हैं, यह अवस्था गैंग एज या समूह आयु कहलाती है। दूसरा जो है खेल समूह, सेवा समूह, सांस्कृतिक समूहों का बनना शुरू हो जाता है। अपने समूहों के नियमों व मान्यताओं को मानने लग जाते हैं। और नेक्स्ट जो है नागरिक गुणों का विकास, आदतों व नागरिक गुणों का विकास होने लगता है इस अवस्था में। और बालक धनी, सुखी, विद्वान व नेता बनना चाहता है। नेताओं की कहानी सुनकर, बाल वीरों की कहानी सुनकर या वीर गाथाओं को सुनकर। नेक्स्ट जो है जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, भावना ग्रंथि का विकास बाल्यावस्था में हो जाता है, जिसे लड़कों में आडिपस और लड़कियों में इलेक्ट्रा भावना ग्रंथि का विकास होता है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, जिसके द्वारा आडिपस ग्रंथि के कारण पुत्र माता से प्रेम करता है और इलेक्ट्रा ग्रंथि के कारण पुत्री पिता से प्रेम करती है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट भावना ग्रंथि है दोस्तों, जो बाल्यावस्था में ही विकसित होता है। आडिपस ग्रंथि लड़कों में और इलेक्ट्रा ग्रंथि लड़कियों में विकास होता है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, किशोरावस्था में सामाजिक विकास। तो किशोरावस्था में सामाजिक विकास जो है, किशोरावस्था मानवीय जीवन की अनोखी अवस्था है। किशोरावस्था में सामाजिक विकास इस प्रकार होता है, आत्मप्रेम, स्वयं से ही प्रेम करना, विषम लिंगी आकर्षण के कारण आकर्षक बनना, वह अपने आप को सजना धजना तैयार करना शुरू कर देते हैं इस अवस्था में, क्योंकि विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण होने लगता है। तो अपने आप को ज़्यादा सजना सवारने में समय देने लगते हैं। नेक्स्ट देखते हैं सामाजिक चेतना का उदय, समूह भावना, आस्था व त्याग का व्यापक रूप से सामाजिक चेतना के रूप में मिलना। नेक्स्ट जो है स्वयं का दायरा छोड़कर मानवीय दायरे में प्रवेश करता है, देश पर प्राण न्यौछावर करने की भावना का उदय हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों सामाजिक पहचान, सामाजिक पहचान स्थापित करने हेतु किशोर का क्रियाशील होना। नेक्स्ट देखते हैं व्यक्तित्व को प्रभावशाली बनाने हेतु तत्पर रहना। दोस्तों इस प्रकार यह तीनों अवस्थाओं में सामाजिक विकास हुआ। नेक्स्ट देखते हैं संवेगात्मक विकास, संवेगात्मक विकास जो है अलग अलग अवस्थाओं में किस प्रकार होता है, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। शैशवावस्था में जो संवेगात्मक विकास होता है वो इस प्रकार होता है, इस अवस्था के संवेगों का विकास अस्पष्ट होता है, क्योंकि शिशु संवेग मंद गति से आदत से जुड़ते हैं। शारीरिक आयु के साथ साथ संवेगात्मक विकास में तीव्रता आती है। संवेगात्मक विकास इस प्रकार है शैशवावस्था में, आयु के अनुसार हम देखते हैं दोस्तों, जन्म के समय सिर्फ उत्तेजना होती है, बच्चों में जो संवेग होता है वो जन्म के समय उत्तेजना होती है। एक माह होता है तो पीड़ा आनंद होने लगता है, तीन माह में उससे क्रोध भी आने लगती है, चार माह का जब होता है तो परेशानी को भी रोने के द्वारा बताने लगते हैं, और पाँचवें माह में भय होने लगता है, और जो दसवें माह में है प्रेम, अपने परिवार के सदस्यों के प्रति प्रेम होने लगता है, और पंद्रहवें माह में ईर्ष्या की भावना भी विकसित हो जाती है, और 24 माह में मतलब 2 साल के अंदर उसे खुशी प्रसन्नता का विकास हो जाता है, संवेग उत्पन्न हो जाता है खुशी प्रसन्नता के रूप में 2 वर्ष के दौरान। इस प्रकार ये शैशवावस्था में जो संवेग है वो बताया गया दोस्तों। अब देखते हैं बाल्यावस्था में संवेगात्मक विकास जो होता है, इस अवस्था में संवेगों में स्थायित्व आने लगता है, समाज के नियमों व संवेगों में समायोजन करना सीख जाता है, प्रत्येक क्रिया के प्रति प्रेम, ईर्ष्या, घृणा व प्रतिस्पर्धा की भावना प्रकट करना प्रारंभ करता है। और किशोरावस्था में देखा जाए संवेगात्मक विकास जो है किशोरावस्था में इस प्रकार है, संवेग परिपक्व अवस्था में होता है,
चेतन व जागरूक होते हैं। वे समय समय पर क्रोध, प्यार, ईर्ष्या, प्रतिस्पर्धा एवं संवेगों का खुलकर प्रयोग करते हैं। संवेगों में अत्यधिक तीव्रता पाई जाती है। अब नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, जो विकास के आयाम हैं, चारित्रिक विकास या इसे नैतिक विकास कहते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं दोस्तों, शैशवावस्था में तो उचित अनुचित का ज्ञान बिल्कुल भी नहीं होता है। जो शैशवावस्था में जो प्रारंभिक अवस्था है उसमें नैतिक विकास बिल्कुल भी नहीं पाया जाता। नेक्स्ट देखते हैं, सामान्य नियमों का ज्ञान होना शुरू हो जाता है। अहम के भाव की प्रबलता होती है, आज्ञा पालन के भाव की प्रबलता होती है, नैतिकता का उदय होना शुरू हो जाता है, कार्य के परिणाम के प्रति चेतनता होता है। बाल्यावस्था में देखते हैं चारित्रिक विकास। मनोवैज्ञानिकों ने बाल्यावस्था को अधिक सीखने की अवस्था बताया है। यह अवस्था चारित्रिक विकास को स्थायित्व देने वाली अवस्था है। नैतिक विकास की दृष्टि से ये बहुत ही महत्वपूर्ण अवस्था है दोस्तों। इसमें बच्चे अच्छे बुरे को समझने लगते हैं, उसके अनुसार अपने आप को देखते हैं। स्ट्रेंज रथ जो है 6, 7 एवं 8 वर्ष के बच्चों में विवेक, न्याय, ईमानदारी और मूल्यों के प्रति निष्ठा की भावना का विकास होने लगता है, ऐसा कहते हैं स्ट्रेंज जी। नेक्स्ट देखते हैं, हम की भावना का विकास होता है। सही गलत, न्याय अन्याय में अंतर समझने लगते हैं। आदर्श व्यक्तित्व का चुनाव करते हैं। धार्मिक भावों का उदय हो जाता है। किशोरावस्था में जो चारित्रिक विकास है उसको देखते हैं दोस्तों। इस अवस्था तक चारित्रिक विकास की जड़ें मजबूत हो जाती हैं। वह आवश्यकता अनुसार उनका चयन करते हैं। समायोजन का अभाव, हालांकि उसको समझते हैं चारित्रिक विकास के बारे में, लेकिन उसको समायोजित करने के लिए, अपने अंदर फीड बैठाने के लिए उसमें जो अभाव होता है, जैसे कि नैतिक विकास के रिलेटेड धार्मिक जो भावनाएं होती हैं, कुछ लोग को बाह्य आडंबर लगने लगता है, जो कि किशोरावस्था में ही वो अधिक बहुत प्रकार के जो समाज में नियम कायदे होते हैं उनको वो बाह्य आडंबर समझते हैं, इसलिए उसमें समायोजन का अभाव होता है। मानव धर्म का महत्व समझने लगते हैं। सभ्यता व संस्कृति का संरक्षण करने लग जाते हैं। जो बच्चे इसको अच्छे से समझ जाते हैं, उसमें नैतिक विकास का अच्छे से उदय हो जाता है, वो सभ्यता व संस्कृति का संरक्षण करने लग जाते हैं। चारित्रिक गुणों का विकास बहुत अच्छे से हो जाता है इस अवस्था में दोस्तों। दोस्तों, इस प्रकार हमने विकास के आयामों को बहुत ही बारीकी से समझा। इनसे 2 से 3 नंबर बिल्कुल आता ही है दोस्तों, इसलिए इसको और अच्छे से बार बार इसको स्टडी कीजिएगा दोस्तों। इस प्रकार हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। हाँ दोस्तों, और इस वीडियो को जितने भी साथी टेट एवं शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं उन तक ज़रूर पहुँचाएँ। धन्यवाद साथियों।